इवन हमारे भगवान टॉकीज वाले सेंटर से सिर्फ पटना पटना में 7 स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं। 7 स्टूडेंट तो पटना में हैं, उसके अलावा पूरे बिहार में कितने होंगे? अभी तो धीरे धीरे स्टूडेंट हमारे बता रहे हैं कि हम वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए। उन्हीं में से हमारी एक स्टूडेंट आज हमारे सामने आई हुई है और इनको सैलरी भी मिल चुकी है। तो अपने और बहुत पढ़ाई करती थी लड़की, मतलब क्लास छूटने के बाद पूरे दिन ये पढ़ती रहती थी, जब तक शाम तक हम लोग टीचर रहते थे, क्लास ओपन रहती थी तब तक बैठ के पढ़ती रहती थी। जितने ज्यादा डाउट होते थे वही के मैंने टीचर से कंसल्ट कर लिए सारी चीजें। तो वाकई में ये डिजर्व करती है सिलेक्शन को, और ये हमें 100% पता था। हम शास्त्री सर बात भी करते थे इस बारे में, शास्त्री सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, पूरी कोचिंग का योगदान रहा है। और मतलब और भी कई सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, सर बताइए। हाँ, मुझे तो ये हिंदी में संस्कृत में ईवीएस में पूछती रहती थी इसका बताओ, मतलब ईवीएस में पढ़ा था सर आप बताओ, और इसे पूरा भरोसा है कि जो बताऊंगा वो सही होगा, इसलिए पूछती रहती थी। 3 बज जाए 11 से 2 इसका बैच था, तो 3 बज जाते थे 4 बज जाते थे, खूब पढ़ती थी। और मैं सर से कहता था ये बच्ची 100% सिलेक्शन देगी, 100%। तो देखो आज आपके सामने है रिजल्ट। इन टोटल आप लोगों से सिर्फ इसलिए मैं मिलवा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ आप सबको कि अगर आप लोग लगातार पढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल 100% श्योर हो जाइए कि एक सीट हमारे लिए है, ठीक है? मोटिवेशन के लिए एक बार करिश्मा के लिए जोरदार तालियां। बच्ची से आपको मिलवाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आप इससे थोड़ा सा मोटिवेट हो, आपको मोटिवेशन मिले कि कहीं किसी दिन ऐसा आए बहुत जल्दी ही कि एपेक्स कैरी क्लासेस के सारे टीचर हमें यहाँ खड़े होके बताएंगे इसका सिलेक्शन। इस बार हमारे यहाँ केवीएस में से भी काफी सिलेक्शन हुए हैं, केवीएस में काफी स्टूडेंट गए अपने यहाँ से, बिहार में के तो धीरे धीरे पता चल रहा है बहुत सिलेक्शन हुए हैं हमारे यहाँ से। तो आप लोग भी उन्हीं में से एक होने चाहिए कि पता चले कि मेरा वहाँ हुआ, मेरा वहाँ हुआ, कोई ना कोई जगह आपके लिए रिजर्व है। लेकिन आपको हमारा साथ देना है, जैसे हम 100% आपके साथ देंगे, आपको भी 100% डिवोशन चाहिए क्लासेस के लिए। ओके, निराश नहीं होना बिल्कुल भी। बीएड वाले खासतौर पर थोड़े से डाउन हो जाते हैं, तो बीएड वालों के लिए अभी खुशखबरी आई है झारखंड से, वहाँ की सरकार ने बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल करने की आज्ञा दे दी है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीएड वाले वहाँ भी शामिल हो रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंटों पे दबाव पड़ेगा तो और भी स्टेट में शामिल होंगे। ऐसा नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है, जब समस्या आती है तो उसका क्या भी होता है, समाधान भी होता है। तो बीएड वाले बिल्कुल ही प्राइमरी पे उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। प्राइमरी पे ध्यान दीजिए, जूनियर तो आपका है ही, लेकिन अगर आप प्राइमरी का भी सीटेट देते हैं या कोई भी और भी पेपर निकालते हैं, यूपी टेट निकालते हैं, तो इसमें नुकसान कुछ नहीं है, फायदा ही फायदा है। और यूपी में भी भर्ती आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ गया 245, फिर एएसआई वगैरह का आ गया 921 वैकेंसी आई है, कल एक और नोटिस आ गया।